हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लास 8 ऑल सब्जेक्ट सॉल्यूशंस। सो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर नंबर इंग्लिश इट्स हैपन का चैप्टर नंबर 1 हाउ द कैमल गोट हिम्स हिम। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट यू लर्न, तो इसका आंसर होगा आई लर्न दिस चैप्टर इन दिस स्टोरी रियाड कीपिंग ब्रिंग आउट द थीम ऑफ लेजीनेस इफेक्सिटी। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि मैंने इस डायरी से ये सीखा कि रियाड कीपलिंग ने प्रभावी ढंग से थीम सेफ लेजीनेस को सामने लाया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट यू फाउंड चैलेंजिंग, इसमें क्या आपको चैलेंजिंग लगा। तो दिस चैप्टर चैलेंजिंग अ मेन आइडिया हेयर इज टू मेक अ रीडर्स अंडरस्टैंड दिस इम्पोर्टेंट ऑफ हार्ड वर्क। इसका मैं हिंदी बता दूँ स्टूडेंट्स, तो इसका हिंदी है विचार पाठकों को दीनता के पीछे किए गए कार्य का महत्वपूर्ण बनाना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है व्हाट यू फाउंड इंटरेस्टिंग, देखिए क्या इसमें आपको इंटरेस्टिंग लगा। इन दिस चैप्टर इंटरेस्टिंग अ फैक्ट ऑफ अवॉइडिंग वर्क विल इन अ पिल लॉट मोर देन वी इंट्स डू वी एंड डू। ओके, तो इसका मतलब ये है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। इस अध्याय में वास्तविक में काम से बचने के द्वारा हम कार्ड की तुलना में पिली टैक्स मेन खत्म कर देंगे। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि इन दिस चैप्टर इंटरेस्टिंग इन अ फैक्ट, इसमें एक फैक्ट दिया गया था इस चैप्टर में, अवॉइडिंग वर्क टू विल वी एंड अप टू पुलिंग एंड लॉट मोर देन वी एंड डू। देखिए इसका मतलब ये है वास्तव में काम से बचने के द्वारा हम कार्ड की तुलना में पीली टैक्स मेन खत्म कर देंगे। समझ चुके होंगे, तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से आप और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से और लर्नर्स डायरी की वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा इस चैनल पे। सो तब तक के लिए गुड।